सो गाइस, जो जो कार एंथुजियास्ट हैं, जो जो पॉल वॉकर के फैन हैं, मॉडिफिकेशन के शौकीन हैं, जबरदस्त वाली मॉडिफिकेशन के शौकीन हैं, इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी एंड तक देखना। ऐसी वीडियो आपको फिर से यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला इस कार के बारे में जो अभी मेरे पीछे खड़ी है। सो गाइस, आज कोई स्पेशल इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आप अगर इस वीडियो में आए हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि ये जो वीडियो रहने वाली है बिल्कुल डिफरेंट लेवल की रहने वाली है। सो गाइस, इस वीडियो में वी आर पेइंग अ ट्रिब्यूट टू पॉल वॉकर, जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस एक्टर हैं फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट हिम अराउंड 3 years बैक। सो गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो पॉल वॉकर के फैंस हैं, एंड मैं भी एक पॉल वॉकर का फैन हूँ। सो गाइस, राइड फ्रॉम दिल्ली टू त्रिवेंद्रम, then to Kollam and then here to Kochi, सिर्फ इस गाड़ी के लिए एंड डेडिकेशन के लिए। सो गाइस, करते हैं इस वीडियो को फटाफट से शुरू और दिखाता हूँ इस वीडियो में स्पेशल क्या रहने वाला है। स्टे ट्यून्ड, देखते रहो, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। ये वीडियो मैं पूरे 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको सिर्फ एक चैनल पर नज़र आएगी, और वो यही चैनल है, स्पीडी सिंह का चैनल है। एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको बहुत बढ़िया लगी हो वीडियो एंड मेरी डेडिकेशन अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो एंड जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ वो कार कैसी लगी। तो तबाही मचा दो इस वीडियो पे गाइस, डेडिकेशन एंड ट्रिब्यूट टू पॉल वॉकर रहने वाली है। करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू एंड जल्दी से दिखाता हूँ क्या बनाया गया है इस गाड़ी के अंदर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और स्पीडी सिंह की फैमिली से जुड़ो, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, और ये वीडियो सबसे पहले आपके पास आए इसलिए बेल आइकन भी दबा दो। सो गाइज, प्रेजेंटिंग यू पॉल वॉकर वाला टॉय, पॉल वॉकर कार का टॉय। बेसिकली पॉल वॉकर के पास जो गाड़ी थी उसका टॉय है ये, एंड इसको अब इससे मैच करते हैं कि क्या क्या सेम है और क्या क्या अलग है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी फ्रंट बम्पर, फ्रंट बम्पर चेकआउट कर लो पूरा, ये है टॉय वाली पॉल वॉकर कार का फ्रंट बम्पर, एंड ये बम्पर चेकआउट करो। आप कहीं पर भी नहीं कह सकते कि ये चीज़ अलग रह रही है, सेम टू सेम कॉपी करी गई है, एंड इट इज लुकिंग अमेजिंग। यहाँ पर रैली आर्ट का यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिलता है, एंड सेम चीज इस कार पर भी आपको मिलती है। तो गाइज, फ्रंट से पॉल वॉकर की कार और ये कार बिल्कुल सेम बनाई गई है, एंड दिस इज ऑल डन बाय क्यू फैक्ट्री कस्टम्स एंड ऑन द डिमांड एंड डेडिकेशन ऑफ मिस्टर रिकू। सो गाइज, आपको ये कार इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज्यादा नजर आ रही होगी आजकल, क्योंकि फेमस इतनी हो रखी है। एक डिफरेंस जो इस कार में है एंड वो जल्दी हो जाएगा चेंज, वो ये है कि इसकी लाइट्स एंड इसकी लाइट्स सेम नहीं है। दिस वाज एन एवोल्यूशन लैंसर 2, बट ये जो मॉडल है ये अपना सीडिया मॉडल है, एंड इसको पूरा इसके तरीके से कन्वर्ट करा जाएगा बहुत जल्दी, इसकी लाइट्स आ जाएंगी, एंड इट विल बी कॉस्टिंग अराउंड 1 lakh टू इम्पोर्ट दीज लाइट्स हेयर। तो आप सोच सकते हो डेडिकेशन लेवल कितना ज़बरदस्त है जिनकी ये कार है, एंड एकदम मस्त तरीके से ये कार बनाई जा रही है। अगर साइड में मूव करें, गाड़ी के साइड प्रोफाइल में मूव करें, तो पहले मैं टॉय पे ग्राफिक्स दिखा देता हूँ आपको। ग्राफिक्स चेकआउट कर लो सारे, यहाँ पर पूरे ग्राफिक्स हैं, एंड नीचे भी कलर चेकआउट कर लो। अब करते हैं यहाँ पर बात। सो गाइस, चेकआउट कर लो प्रॉपर, सेम ग्राफिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, सेम ग्राफिक्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, एंड प्लस जो एक और चीज़ यहाँ पर इस कार में ऐड हुई है, दैट इज़
#forpaul मतलब डेडिकेशन लेवल एक्सट्रीमेस्ट कंडीशन का है, बहुत जबरदस्त कंडीशन का डेडिकेशन लेवल है। एंड गाड़ी की अगर बात करें तो कलर में कहीं पर भी आपको डिफरेंस नहीं नजर आने वाला, कलर बिल्कुल सेम है, एकदम 100% सेम कलर है। एंड अगर बात करें काम करने की तरीके की तो गाइज जबरदस्त तरीके से गाड़ी बनाई गई है, आपके सामने खड़ी है, आपने फास्ट एंड फ्यूरियस में देखी होगी, मैं अपने सामने देख रहा हूँ ये गाड़ी। एंड अमेजिंग तरीके से गाड़ी तैयार करी गई है। बात करें स्पॉइलर की, यानी कि रियर प्रोफाइल की बात करें, तो पहले इसमें चेक कर लो स्पॉइलर, एंड अब इस पे चेक करते हैं स्पॉइलर कैसा है। JS रेसिंग का स्पॉइलर यूज करा गया इस कार में, एंड चेकआउट कर लो, सेम टू सेम कॉकपिट स्पॉइलर है। एंड भाई मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, जो मैंने कभी टीवी में देखा था या कभी सिनेमा थिएटर में देखा था वो आज मेरे सामने खड़ा है। मे बी ओरिजिनल नहीं है बट डुप्लीकेट मैं इसको कह सकता हूँ, एंड दिस इज फॉर श्योर। आप स्पीडी सिंह के चैनल पर इसको पहली बार देख रहे होंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। जबरदस्त मेरा केरला आना एक तरह से सक्सेसफुल अब हुआ है जाकर, जिसकी वजह से मैं स्पेशल यहाँ पर कोची तक आया हूँ, सिर्फ इस कार की वजह से आया हूँ। एंड अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल का बम्पर इसमें चेकआउट कर लो, एंड अब इस पे चेकआउट करते हैं। इसमें थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करे गए हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करे गए हैं, बट इट इज स्टिल लुकिंग एज ऑसम एज आई कैन से एनीथिंग। दिस इज रियली ऑसम, दिस इज रियली एन ऑसम कार। अगर बात करें नीचे तो नीचे एग्जॉस्ट लगाया गया प्रॉपर, HKS का मफलर यूज करा गया इसके अंदर, एंड आवाज इसकी सुनने वाली है, जबरदस्त आवाज है। अगर बात करें गाड़ी के इंजन की तो 2000cc का इसको इंजन मिलता है, सीडिया मित्सुबिशी सीडिया को 2000cc का इंजन मिलता है। एंड अगर इंजन ट्यूनिंग की बात करें तो अंदर ब्रीद फिल्टर्स लगाए गए हैं, एंड जो नॉर्मल अपना एयर फिल्टर होता है वो BMS का यूज करा गया है, तो एक तरह से गाड़ी हल्की फुल्की ट्यून्ड है कह सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस फिल्टर यूजुअली इंक्रीज कर देते हैं परफॉर्मेंस कार की। सो मेरी तरफ से ये कार पास है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपको ये कार पसंद आई या नहीं आई। सो गाइज अगर पीछे वाले बम्पर की बात करें स्टॉय कार पे, तो आपको रॉकफोर्ड फॉसगेट और TVC का स्टिकर मिलता है। एंड अगर इस ओरिजिनल कार पर देखोगे तो सेम यहाँ पर यूज करा गया रॉकफोर्ड फॉसगेट एंड TVC था। एंड चेकआउट कर लो भाई पूरी गाड़ी, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, चेकआउट कर लो ये पूरी गाड़ी। ऐसी कार आपको कहीं नहीं मिलने वाली, दिल्ली में तो खासकर नहीं मिलेगी, यहाँ पर कोची में मैं भी ढूंढ ढूंढ के यहाँ तक आया हूँ। एंड पूरा एक अमेजिंग मेरे को लग रहा है, मतलब मैं स्पीचलेस हूँ राइट इस मोमेंट पर कि मैं क्या बोलूँ कि इस कार के बारे में। एंड इट लुक्स अमेजिंग, डैम अमेजिंग। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आपको ऐसी कार रेडी करवानी हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर बात करें कलर की, फिर से कलर पर आता हूँ, कलर क्वालिटी कैंडी ग्रीन एक तरह से यूज़ करा गया, कैंडी लाइम ग्रीन इसको कह सकते हो। एंड कलर देख लो, सेम टू सेम एंड अमेजिंग, ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी भाई, बिल्कुल अलग अलग ही स्वैग है इस कार का पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में क्या मैं पूरे यूनिवर्स में बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसी कार कोई दूसरी नहीं बनी होगी अब तक। दिस इज़ दी वेरी फर्स्ट कार इन मेमोरी ऑफ पॉल वॉकर। अब अगर बात करें अलॉय व्हील्स की, तो गाइज अलॉय व्हील्स थोड़े डिफरेंट है इस गाड़ी के, बट अमेजिंग। लो प्रोफाइल टायर्स यूज़ करे गए हैं, रेडियल टायर्स यूज़ करे गए हैं, वी शेप वाले ट्रेड इनको मिलते हैं, ये थोड़े साउंड करते हैं अगर थोड़ा सा चलने के बाद घिसने के बाद, ये थोड़े साउंड करते हैं, बट ये जो लुक देते हैं, जो इन्हांस करते हैं लुक को, वो कोई दूसरा टायर नहीं कर सकता। एल्स मैं ये आपको एक तरह से सजेस्ट नहीं करूँगा ये वाले टायर्स यूज़ करने के लिए, बट ये एक स्पोर्ट्स कार की तरह बनाई गई है, तो जिसको शौक है वो वैसे अपनी कार प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड अमेजिंग। तो आपका अब जो काम रहता है वो सिर्फ ये कि कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि कार कैसी रेडी करी गई है, फिनिशिंग कैसी आपको लगी, जितना ये कैमरा दिखा सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड जैसे भी आपको कार लगे, आप इम्प्रेस्ड हो वर्क से, तो मुझे ज़रूर बताना। एंड मेरे इस इनिशिएटिव से कि मैं स्पेशली कोची आया हूँ सिर्फ इस कार को रिकॉर्ड करने के लिए, इस कार को शूट करने के लिए, एंड पूरी दुनिया को शोकेस करने के लिए कि इंडियंस आर नॉट लेस, वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड ज़बरदस्त तरीके से इस कार को बनाया गया है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी होगी, क्योंकि ऐसी कार आपने इंडिया में पहली बार कभी देखी होगी, एंड इट्स वन इन लैक्स एंड मिलियंस, मतलब अनलिमिटेड में एक गाड़ी है ये ऐसी, जो पॉल वॉकर की डेडिकेशन के लिए रेडी करी गई है, पॉल वॉकर को ट्रिब्यूट देने के लिए रेडी करी गई है। एंड इट इज़ डैम अमेजिंग,
कार में अभी थोड़ा बहुत काम रहता है, वो धीरे धीरे कंप्लीट होगा। एंड अगर मुझे फिर से मौका मिला तो मैं फिर से आगे कोची आके इसको रिकॉर्ड करूंगा आप सबके लिए। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कॉमेंट करके जरूर बताना आपको कार कैसी लगी। एंड अगर मुझे फॉलो करना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर फेसबुक पर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो काइंडली राइट अमन सचदेव ऑन फेसबुक, आपको मैं वहां मिल जाऊंगा। बात रही जिनकी गाड़ी है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड जिन्होंने रेडी करी है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दैट इज क्यू फैक्ट्री कस्टम्स। आपने मेरी पहली वीडियोस एंड और आने वाली वीडियोस में काफी कुछ देखा होगा क्यू फैक्ट्री कस्टम्स से, तो उन्होंने ही ये कार रेडी करी है एंड इट इज डैम अमेजिंग, डैम अमेजिंग, डैम अमेजिंग। भाई मजा आ गया एकदम बम, जिसे मैं डायनामाइट कहूंगा ना, ये वो चीज है, एकदम डायनामाइट लग रही है गाड़ी, बिल्कुल अलग रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी की एंड कोई अभी तक इसका कंपैरिजन नहीं है। सो करते हैं इस वीडियो खत्म, साइनिंग ऑफ स्पीड डिजाइन।